आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमारे बालों का हर एक स्ट्रैंड उतना ही मजबूत होता है जितने इसी के साइज का एक कॉपर का वायर। लेकिन जब यही बाल टूटने लगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये बाल कॉपर के वायर जितने नहीं बल्कि एक धागे के जितने पतले हैं। आज इसी बात को टैकल करने के लिए मैं डॉक्टर मदिया भायानी आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जो बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 1 कि इसे बनाने का प्रॉपर तरीका क्या है। आपने इसकी बहुत सारी रेसिपीज देखी होंगी लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसका कितने इंग्रेडिएंट्स को किस प्रोपोर्शन में डालना है और किस तरीके से इसे प्रॉपरली बनाना है, ये सब आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। पॉइंट नंबर 2 इसके लगाने का और एप्लीकेशन का प्रॉपर तरीका क्या है, इसे कौन कौन लगा सकता है, किस तरीके से लगाना है और लगाने का सही टाइमिंग क्या है। और पॉइंट नंबर 3 कि जब मैंने इसे कंटिन्यूअसली 1 महीने तक लगाया तो इसके मेरे बाल पे क्या बेनिफिट्स और क्या इफेक्ट्स हुए। आप मेरे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा ताकि आपको इसकी ईच एंड एवरी डिटेल मिल सके। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि हम क्विकली क्विकली सारे पॉइंट्स को कवर करते रहेंगे, लेकिन अगर फिर भी मुझसे कोई पॉइंट मिस हो जाते हैं तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसके बारे में एक और वीडियो बना दूंगी। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द रेसिपी। सबसे पहले किसी भी पैन में 1.5 कप के करीब पानी ले लीजिए। यहाँ पर रेसिपी के सारे प्रॉपर इंग्रेडिएंट और उसकी क्वांटिटी जानना बहुत ही लाजमी है। जितनी क्वांटिटी मैं यहाँ बना रही हूँ आप उसी हिसाब से एग्जैक्टली वही बनाइएगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा। 1.5 कप के करीब मैंने यहाँ पर नॉर्मल वाटर ले लिया है जो हम पीने के लिए यूज करते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे मेथी दाना विच इज फेनिब्रिक सीड्स। मेथी दाना कितना ऐड करना है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। मेथी दाने का तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो 1.5 कप पानी लिया है और 1.5 चम्मच के करीब ही मैंने यहाँ पर मेथी दाना यानी फेनिब्रिक सीड्स को ऐड किया है। थर्ड सुपर इंग्रेडिएंट है क्लोव्स यानी लौंग। इसकी जो क्वांटिटी है वो आप सबके लिए बिल्कुल अलग अलग होगी। काफी लोगों को जो इसकी खुशबू है वो बहुत अच्छी लगती है और काफी लोगों को इसकी स्मेल बहुत स्ट्रांग लगती है। तो जिन लोगों को इसकी खुशबू अच्छी लगती है वो एक खाने का चम्मच भरकर इसमें डाल देंगे, 1 चम्मच इनफ होगा। और जिन लोगों को इसकी खुशबू स्ट्रांग लगती है वो इसके कुछ ही दाने लेकर अपने पानी में ऐड कर देंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इनका एक्टिवेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना 4th इंग्रेडिएंट विच रोज वाटर यानी गुलाब जल। रोज वाटर जो है वह आपके इस पानी को बहुत अच्छी खुशबू भी देगा और कोई स्मेल भी नहीं रखेगा, साथ ही साथ ये आपके बालों में बहुत ही बेनिफिट देता है। 1.5 कप पानी में तकरीबन 1/4 कप यानी 1/4 कप जितना, 1/4 कप जितना हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है रोज वाटर को। अब इसे हम चूल्हे पर रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से बॉइल होने लगे। काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि इसे कितने टाइम तक के लिए बॉईल करना है, तो इसकी ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्लिप में कि इसका जो पानी है वो बिल्कुल गोल्डन है और जो मेथी दाना है वो अभी छोटे छोटे दाने ही हैं। थोड़ी ही देर में मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से चेंज होता है। ये जो मेथी दाना और क्लोव्स है यानी लौंग, ये सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो कि आप अपने खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यही चीजें आपकी स्किन के लिए भी यूज होती हैं। लेकिन जो इनके मशहूर होने की मेन वजह है वो आपके बालों में किए गए इस्तेमाल के लिए है। ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट के बाद आप जब ये देखेंगे कि पानी आधा हो चुका है और पानी का कलर चेंज हो चुका है, साथ ही साथ मेथी दाने की शक्ल देखिए कितनी फूल चुकी है, मोटे हो चुके हैं इसके दाने, इसका मतलब है कि अब ये पक चुका है। इस स्टेज पे आकर आप चूल्हे को बंद कर देंगे और अपने स्पॉट को कवर कर इसी में ही सारे इंग्रेडिएंट रहने देंगे। इसे इसी पॉट पे रहने दें, चाहे तो 1 रात के लिए पूरा रख लें या 1 से 2 घंटा तो मिनिमम इसे रखे ही रखे। ये जो भी इंग्रेडिएंट है अब आप इसे अच्छे तरीके से छान लीजिए किसी भी स्प्रे बॉटल में। स्प्रे बॉटल में डालने से फायदा ये होगा कि आपको इसको लगाने में बहुत ही इजी और इफेक्टिव वे से आप इसको लगा सकेंगे। एक बोनस स्टेप यहाँ पर यह है कि इसके जो भी इंग्रेडिएंट ये बचे हैं इसको वेस्ट ना कीजिए और इसी को ग्राइंड कर अपने बालों में नहाने से तकरीबन 1.5 से 2 घंटा पहले लगा लीजिए। जिस दिन मास्क अप्लाई करेंगे उस दिन मास्क अप्लाई करने के बाद हेयर वॉश करें और उसके बाद ये हेयर सीरम को अप्लाई कर लें। काफी लोगों का ये सवाल होता है कि क्या इसमें हम रोजमेरी एसेंशियल ऑयल या कोई और ऑयल ऐड कर सकते हैं, तो जी नहीं, आप इसमें ऑयल मत ऐड कीजिएगा क्योंकि पानी की कंसिस्टेंसी और ऑयल की कंसिस्टेंसी दोनों अलग अलग है, वो आपस में एक कंसिस्टेंसी नहीं बनाते जिसकी वजह से ऑयल सेपरेट रहता है और वॉटर सेपरेट रहता है। फेनिग्रिक सीड्स और क्लोव्स दोनों अगर पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है तो वो भी आप ले सकते हैं। दोनों की पिक्चर मैंने नीचे साइड में लगा दी है, लेकिन मेक श्योर कि जब ये सीरम बने
बाली का तो थोड़ा सा डार्क कलर का होगा अगर आप पाउडर इस्तेमाल करेंगे। पाउडर इस्तेमाल करने की सूरत में एक चम्मच फेनुग्रीक सीड्स का पाउडर लेंगे और आधी चम्मच ही आप क्लोव्स का पाउडर लेंगे। मेक श्योर कि इसकी क्वांटिटी का आप बहुत अच्छे से ख्याल रखें। दोनों की पोटेंसी और एफिकेसी में कोई फर्क तो नहीं है, लेकिन अगर आपको व्हाइट बालों की शिकायत है तो आप कोशिश कर क्लोव्स यानी लौंग का पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो वो एज अ हेयर स्ट्रेनर भी काम करेगा। पूरे हेयर आपके ब्लैक तो नहीं कर देगा, लेकिन थोड़ा बहुत स्टेन जरूर करने में आपकी मदद कर सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि इसे किस तरीके से प्रॉपरली अप्लाई करें। तो आप इसे पूरे स्कैल्प पे लगाएंगे और पूरी हेयर लेंथ भी अप्लाई करेंगे। थर्ड क्वेश्चन इसके इसे दिन के किस टाइम पे लगाएं। तो वैसे तो आप इसे दिन के किसी भी टाइम पे लगा सकते हैं, इसकी कोई भी मुमानियत नहीं है, लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप इसे रात में लगाएं तो ज्यादा बेहतर है, ताकि ये पूरी रात आपके सर में रह के सेटल हो जाए और अपना एक्शन दिखाना स्टार्ट कर सके, इसे इतना एम्पल टाइम मिल सके। लेकिन मेरी यहाँ पे रिक्वेस्ट होगी कि आप इसे सोने से कम आधे या पौने घंटे पहले लगाएं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप ये हेयर स्प्रे या हेयर सीरम लगाएंगे तो आपके बाल गीले हो जाएंगे और गीले बालों को टाई करके सोना इज अ बिग नो। तो आप इसको पहले लगाइए, बालों को अच्छे से सूखने दीजिए, फिर बालों को अच्छे से हल्के से टाई कर लीजिएगा। मेक श्योर कि आप बालों को हल्के से ही टाई करें। अगर आप चोटी बांध के सोते हैं तो चोटी बना लीजिए, या जो भी हेयर स्टाइल आप बनाते हैं, लेकिन बिल्कुल हल्का सा हेयर स्टाइल बनाकर आप सो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन काफी लोग पूछते हैं कि क्या इसको लगाने के बाद आपको हेयर वॉश करना है कि नहीं। तो जो मैंने इस रेसिपी में आपको खाली सिरम बताया है, अगर आप खाली वो हेयर स्प्रे या सिरम ही लगा रहे हैं तो इसके बाद हेयर वॉश करने की नीड नहीं है। अगर आपको जनरली हेयर वॉश डे है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद पर से आपको हेयर वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं है। लेकिन इसी रेसिपी में मैंने आपको वीडियो में ये भी बताया था कि जो इसके इंग्रेडिएंट बचे थे उसे आप ग्राइंड कर एक मास्क बना सकते हैं। अगर आप वो हेयर मास्क अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको उसके 1.5 से 2 घंटे बाद हेयर वॉश करना जरूरी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 कि जब मैंने इसे एक महीना इस्तेमाल किया तो मेरे बालों में इसके क्या बेनिफिट्स हुए। तो ट्रस्ट मी, मैंने इसे पूरा 1 मंथ अप्लाई किया और इसके अलावा कोई भी रेमेडी अप्लाई नहीं करी, सिर्फ एक हेयर ऑयल अप्लाई किया और ये एक हेयर सीरम अप्लाई किया। एंड ट्रस्ट मी, मेरे बालों में बहुत ही बढ़िया बेनिफिट्स हुए हैं। बाल इतने नाइस, सिल्की, शाइनी, एक लस्ट्रस इफेक्ट आने लगा बालों में, इतने मैनेजेबल हो गए ना कि क्या ही पूछना। ऑब्वियसली ग्रोथ भी आहिस्ते आहिस्ते होगी, क्योंकि इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट मौजूद है जो कि आपके हेयर ग्रोथ को बहुत ही बेनिफिट देते हैं। अगर आप चाहें तो ये सीरम भी अप्लाई करें और जो हेयर ऑयल मैंने आपको बताया है वो भी अप्लाई कीजिए। उसकी रेसिपी जानने के लिए आप अभी इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इसमें मैंने बताई है वो हेयर ऑयल की रेसिपी जो मैं आजकल अप्लाई कर रही हूँ। मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन बाय बाय।